हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम दिबांग भूषण बोरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी पेरिस फ्रांस में, और खेलने वाले खिलाड़ी थे नेल्सन पिल्सबरी और गीजा मारोगजी। फ्रेंड्स, हेनरी नेल्सन तो आई थिंक अमेरिकन चेस मास्टर थे, काफ़ी एजिड थे अगर मैं सही समझ रहा हूँ उन्हें तो, और गीजा आई थिंक फ्रेंच प्लेयर है। तो आइए फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की पिल्सबरी ने e4 के साथ, तो e6 फ्रेंच डिफेंस यहाँ गीजा ने किया। d4, d5, नाइट d2 स्क्वायर पर, तो नाइट f6 यहाँ ब्लैक ने किया। फ्रेंच डिफेंस ट्रैश वेरिएशन, e5 नाइट पर अटैक है, तो नाइट गया वापस d7 स्क्वायर पर। f4 देन c5, c3 नाइट c6, नाइट g गोज टू f3 देन बिशप e7, बिशप d3, तो क्वीन गई b6 स्क्वायर पर, और माइट भी यहाँ किसी तरह का कोई एडवांटेज उठाने की कोशिश है ब्लैक की d4 स्क्वायर पर। तो डी टेक सी फाइव यहाँ वाइट को पहले करना ही पड़ा। देन नाइट टेक सी फाइव, आप देख सकते हैं बिशप पर बहुत ही अच्छा अटैक है, और ऊपर से आप यहाँ मान के चले कि वाइट को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है कैसल करने में। तो नाइट b3 यहाँ पहले अपने बिशप पर डिफेंस किया, ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, और मेरे ख्याल से ब्लैक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाइट टेक्स b3, ए टेक्स b3, और इस तरह से यहाँ ब्लैक को एक छोटा सा एडवांटेज मिल गया है कि उन्होंने शुरुआत में ही यहाँ बी फाइल में पॉन्स डबल करवा दिए हैं। बिशप d7 देन b4 फाइनली। चलिए, तो रुक c8, क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ क्वीन के e2 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप कहीं जाकर अब e3 स्क्वायर पर आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ कैसल होगा। काफी लंबा सीक्वेंस है। a6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप e3, क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन गई d7 स्क्वायर पर। क्वीन f2, तो मेरे ख्याल से तो अब यहाँ ब्लैक को भी कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले नाइट को b8 स्क्वायर पर लिया, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मूव मुझे कभी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ब्लैक की अपनी कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ व्हाइट ने किया बिशप d6, और बिशप d6 की ऑप्शन हमेशा अवेलेबल थी जब से एक क्वीन यहाँ इस f2 स्क्वायर पर आई है। अगर ये नाइट मान लो ऑलरेडी यहाँ इस c6 स्क्वायर पर रहता, तो इस क्वीन को b8 स्क्वायर पर जाना पड़ता, तो शायद क्वीन को आगे रखने के लिए ब्लैक ने अपने नाइट को पीछे लिया है। क्वीन गई c6 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब कहीं जाकर यहाँ दोनों साइड्स को कैसल करने का मौका मिला। रुक a5 देन f5, और फ्रेंड्स ये रुक a5 स्क्वायर पर क्या करने आया है अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या व्हाइट यहाँ अनपसांड कर सकता है? माइट भी। अगर चलिए व्हाइट अनपसांड यहाँ e टेक्स f6 ऑप्शन कंसिडर करे भी, तो बिशप टेक्स f6 होगा, और उसके बाद बिशप c5 यहाँ रुक पर भी अटैक बन सकता है, तो पोजिशनल एडवांटेज यहाँ ले सकता था व्हाइट। पर यहाँ पिल्सबरी ने डिसाइड किया कि वो अपने किंग को मूव करेंगे h1 स्क्वायर पर। रुक एट सी गोज टू e8, और मेरे ख्याल से व्हाइट की जो पोजीशन है, शायद वो इस बी पॉन को आगे पुश करना अफोर्ड कर सकते थे। यहाँ अगर b5 होता है तो व्हाइट को एक छोटा सा एडवांटेज, छोटा सा नहीं पोजिशनल एडवांटेज मिलता। ए टेक्स बी फाइव होने के बाद व्हाइट यहाँ पहले करता बिशप टेक्स बी फाइव, क्वीन पर अटैक होता, और क्वीन के बाद ये लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ एलिमिनेट हो चुका होता, क्वीन c8 स्क्वायर पर जाता, तो ये बिशप एलिमिनेट होता। लेकिन ऐसा करने से फ्रेंड्स मेरी नज़र में एक छोटी सी कमी आती है, ब्लैक की पोजिशन बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड है, तो अगर आप उन क्रैम्प्ड पीसेज को एलिमिनेट कर देंगे तो ब्लैक के पीसेज मूव करने लग जाएंगे, उसे अपनी पोजिशन को खुद ही सुधारने दें। और वही काम यहाँ पिल्सबरी ने किया, उन्होंने यहाँ अपने बिशप को c5 स्क्वायर पर लिया, ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, तो क्वीन c7 यहाँ पहले गीजा ने किया। बिशप टेक्स e7, रुक टेक्स e7 देन g4, और g4 फ्रेंड्स ऑफरिंग आप कह सकते हैं कि नाइट को पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश है। नाइट c6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक पर अटैक बना, तो रुक गया a1 स्क्वायर पर। देन f टेक्स g4, लेकिन f टेक्स g4 होने के बाद यहाँ नाइट पर तो अटैक है, पर जब व्हाइट ने अपनी क्वीन को h4 स्क्वायर पर रखा और यहाँ डायरेक्टली चेक मेट की थ्रेट दी, तो ब्लैक को यहाँ पहले g6 ही करना पड़ा, और उसके बाद क्वीन टेक्स g4, और पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा। फॉर्चुनेटली ये रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, अदरवाइज व्हाइट को कुछ ना कुछ एडवांटेज लेने का यहाँ मौका मिल सकता था अपने बिशप सेक्रीफाइस के बाद। रुक g7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, h4 देन नाइट e7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस नाइट के लिए बहुत शानदार आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है, तो व्हाइट ने यहाँ पहले किया नाइट d4, नाइट f5, तो बिशप टेक्स f5, जी टेक्स f5, और यहाँ ब्लैक ने पूरे एडवांटेज के साथ ये जी फाइल ओपन करवा ली है। क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन गई h5 स्क्वायर पर।
और मेरे ख्याल से तो समय आ चुका था कि ब्लैक भी अब अटैक करना शुरू कर देता। क्वीन सी फोर के ऑप्शन यहाँ बिल्कुल अवेलेबल थी, माइट भी हो सकता था कुछ ना कुछ, लेकिन ब्लैक ने अपने क्वीन को डी एट स्क्वायर पर प्लेस किया और एक्सपेक्ट किया कि जो अटैक यहाँ व्हाइट लगाने वाला है ज्यादा बेटर है कि मैं डिफेंस ही करूँ। रुक जी वन ऑफरिंग रुक एक्सचेंज, लेकिन ब्लैक ने अभी रुक एक्सचेंज नहीं किए। रुक अटैक गोज टू एफ सेवन, अपने रुक पर ही डिफेंस किया। क्वीन एच सिक्स देन क्वीन ई सेवन स्क्वायर पर नाइट एफ थ्री तो किंग एच एट स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये नाइट एफ थ्री का मतलब ये बनता है कि नाइट थोड़ी देर में यहाँ इस जी फाइव स्क्वायर पर जाने वाला है, लेकिन देखें कहीं ना कहीं ये क्वीन भी ठीक नहीं है, क्योंकि रुक अगर एक कदम आगे बढ़ेगा नाइट के आगे आने के बाद तो क्वीन के लिए बचेगा ये एच फोर स्क्वायर। खैर किंग एच एट यहाँ पहले वाइट ने किया, तो रुक एफ एट। और अब क्या यहाँ पिल्सबरी को अपने इस रुक को जी फाइव स्क्वायर पर नहीं लेकर चले जाना चाहिए था, एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले अपने एच पॉन को आगे पुश किया और माइट भी उनके दिमाग में नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। रुक जी फोर यहाँ पहले ब्लैक ने किया और अब रुक जी फोर के बाद क्या होगा ये समझ में आ ही रहा है, लेकिन नाइट जी फाइव की ऑप्शन यहाँ पहले पिल्सबरी ने कंसिडर की और गीजा को मौका दिया इस रुक से इस एफ फोर पॉन को लेने का, लेकिन नहीं लेना चाहिए था, पर गीजा ट्रैप में फंस चुके थे। रुक टेक्स एफ फोर पर नाइट एफ सेवन चेक करने के बाद ये अनडिफेंडेड रुक, इसका क्या होगा? नाइट और पॉन के बदले में यहाँ व्हाइट को रुक मिल चुका है। क्वीन टेक्स एफ सेवन, क्वीन टेक्स एफ फोर देन क्वीन टेक्स एच फाइव चेक, दो पॉन्स मिल चुके हैं किंग है जी थ्री स्क्वायर पर और रुक से भी चेक आ सकती थी, लेकिन यहाँ क्वीन ई टू पहले ब्लैक ने किया और उन्होंने यहाँ एक तरह की पूरा चेकमेट सीक्वेंस तैयार करने की कोशिश की। तो मान लो अगर वाइट यहाँ अपने किंग को एच थ्री स्क्वायर पर लेकर जाए तो ब्लैक के पास यहाँ मौका होगा इस गेम को रिपीटेड चेक्स के बाद ड्रॉ कराने का। क्वीन एच फाइव चेक होगा तो किंग जी थ्री स्क्वायर पर देन बिशप बी फाइव और किसी ना किसी तरह का एक अच्छा खासा यहाँ ट्रैप तैयार किया जा सकता है। मेरी नज़र में ब्लैक की पूरी गेम में प्रॉब्लम यही रही कि उसका ये बिशप कभी भी किसी एक्टिव किसी अच्छे स्क्वायर पर ये बैड बिशप ही बना रहा, कभी गुड बिशप बन ही नहीं पाया। यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को एच फोर स्क्वायर पर प्लेस किया था रुक सी एट और फ्रेंड्स रुक के सी एट स्क्वायर पर आने के बाद ये रुक कहाँ आएगा? ये क्वीन को ट्रैप करने आएगा। तो व्हाइट यहाँ दो ऑप्शन कंसिडर कर सकता है। एक ऑप्शन जो मुझे नजर आती थी वो रुक को डी वन स्क्वायर पर लाने की है, ताकि ब्लैक जब यहाँ अपने रुक को इधर सी फोर स्क्वायर पर लाए तो ये रुक बीच में आ सके। मान लो यहाँ से अगर हम ये गेम आगे बढ़ाए तो ब्लैक क्वीन टेक्स बी टू करेगा, क्वीन जी थ्री स्क्वायर पर रुक सी फोर चेक हुआ भी तो रुक डी फोर, रुक टेक्स डी फोर, सी टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स डी फोर। इस गेम को हम कैसे भी आगे बढ़ाए मैं मोर और लेस इक्वल ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगले मूव में चेक मेट की थ्रेट होगी तो किंग एच थ्री चेक से बचने के बाद व्हाइट यहाँ चेकमेट की थ्रेट देगा तो क्वीन जी फोर चेक ब्लैक को फोर्सफुली करना ही होगा। क्वीन टेक्स जी फोर, एफ टेक्स जी फोर चेक, देन किंग टेक्स जी फोर, एच सिक्स वगैरह वगैरह, ब्लैक के लिए लाइफ काफी मुश्किल रहने वाली है यहाँ से। खैर पिल्सबरी ने यहाँ किया था रुक एट ए गोज टू ई वन डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन टेक्स बी टू ऑब्वियस मूव है, देन किंग एच थ्री और यहाँ कम से कम इस रुक से जो आने वाली पिन है उसे तो बचे यहाँ व्हाइट। रुक टेक्स सी थ्री चेक, ओके ये तो फिर दोबारा ट्रैप हो गया। रुक जी थ्री स्क्वायर पर देन ब्लैक माइट भी इस प्रेशर को और मेंटेन कर सकता था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ब्लैक ने रुक को सी टू स्क्वायर पर लिया और डायरेक्टली चेक मेट की थ्रेट दी। और मेरे ख्याल से तो ब्लैक इस गेम में मूव डिसाइड कर रहा है। यहाँ व्हाइट क्या करता? अगर मैं व्हाइट की जगह होता तो ऐसा कोई तरीका ढूंढता जिससे ये गेम ड्रॉ हो जाए। माइट भी रुक जी एट चेक पॉसिबल था, किंग टेक जी एट होता, क्वीन जी फाइव चेक होता, किंग एफ एट, क्वीन एफ सिक्स चेक, किंग ई एट, क्वीन किंग क्वीन एच एट चेक होता, क्वीन किंग एफ सेवन स्क्वायर पर क्वीन एफ सिक्स चेक, और रिपीट चेक्स के बाद ये गेम ड्रॉ हो सकती थी। पर पिल्सबरी ने यहाँ अपने रुक को एच वन स्क्वायर पर लिया और अभी उन्होंने यहाँ गेम को ड्रॉ कराने के बारे में सोचा ही नहीं है। और शायद यहाँ बिशप बी फाइव की ऑप्शन कंसिडरेबल थी ब्लैक के द्वारा, और यहाँ क्या होता फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है हाँ इस पॉइंट से। पर शायद यहाँ गीजा अपने ट्रैप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, उन्होंने यहाँ किया रुक सी एट, अपने रुक को वापस लिया और शायद उन्हें यहाँ आने वाली चेकमेट से बचना था, पता नहीं कौन सी चेकमेट थी, अभी फिलहाल तो कोई चेकमेट थी नहीं यहाँ पर क्वीन एच सिक्स जैसे ही हुआ तो चेकमेट वो नजर अब आने लगी है व्हाइट की। क्वीन टेक सी फाइव, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो गया है। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि ब्लैक यहाँ
बहुत अच्छा खेल रहा है और ब्लैक ने इस गेम को जीत ही लिया है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक थोड़ा सा फंबल जो ब्लैक से हुआ और उसकी वजह से यहाँ पिल्सबरी को मौका मिला इस गेम को खत्म करने का। उन्होंने यहाँ किया क्विंटेक्स H7 चेक, अनबिलीवेबल। अपने क्वीन पॉन के बदले में दी, क्यों दी? क्योंकि किंग टेक्स H7 फोर्स मूव है, उसके बाद जब किंग G2 स्क्वायर पर गया और यहाँ गीजा मुर्किजी को चेकमेट देखनी पड़ी, क्योंकि ये दोनों रुक्स बिल्कुल सही स्क्वायर पर परफेक्टली प्लेस्ड है। फ्रेंड्स, क्या गजब की गेम है! मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।